नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वीकली स्पेशल, जहां आज हम आपको बताएंगे हफ्ते भर की वो चर्चित खबरें जो इस हफ्ते चर्चा में रही। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 72 संसदीय सीटों पर कुल 64% मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी। चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच हाथापाई भी हुई। दोनों पक्षों में चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी हुई। बता दें कि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी के लिए चौथे चरण का ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 72 में से 56 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। बाकी बची 16 सीटों में से 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि शेष सीटें तृणमूल कांग्रेस 6, बीजेपी 6 जैसी विपक्षी पार्टियों के खाते में गई थी। महाराष्ट्र की 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा की 6, बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटों और जम्मू कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। अनंतनाग सीट पर 3 चरणों में मतदान किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट के कुलगाम जिले में 10.5% मतदान हुआ, जहां पथराव की अलग अलग घटनाएं हुई। संवेदनशील सीट पर 3 चरणों में से ये दूसरा चरण है। मुंबई में मतदान केंद्रों के बाहर उद्योगपतियों और बॉलीवुड सितारों की कतार लगी रही। जहां 6 सीटों पर चुनाव हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए कि कन्नौज में कई ईवीएम में गड़बड़ी थी, जहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। बिहार के मुंगेर में 3 मतदान केंद्रों जैसे कि दरभंगा में 2 मतदान केंद्र और बेगूसराय में 3 मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी के कारण देर से मतदान शुरू हुआ। उड़ीसा में 41 विधानसभा सीट और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। वहीं देश में 542 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरण में मतदान कराए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने राहुल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जहां वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूछा कि राहुल देश को बताएं कि वो अंग्रेज हैं या भारतीय। साथ ही बीजेपी ने तंज कसते हुए ये भी पूछा कि कौन से राहुल ओरिजिनल हैं और कौन से लंदन वाले या लुटियंस वाले हैं। हालांकि बीजेपी के इन आरोपों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बकवास बताया। राहुल गांधी को भेजे गए गृह मंत्रालय के नोटिस पर मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बैक ऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी 2003 में इंग्लैंड में रजिस्टर्ड कराई गई थी। राहुल गांधी इस कंपनी के निदेशक और सचिव थे। संबित पात्रा ने दावा किया कि इस कंपनी के दस्तावेजों में राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर गृह मंत्रालय से शिकायत की गई है। जहां पात्रा ने बताया कि ये दस्तावेज खुद राहुल गांधी ने सत्यापित किए हैं। बीजेपी के इन आरोपों को कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने बकवास बताया है। प्रियंका ने कहा कि मैंने इतना बड़ा बकवास कभी नहीं सुना। राहुल यहीं पैदा हुए हैं और उनकी परवरिश भी यहीं हुई है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि राहुल हिंदुस्तानी है। इससे पहले संबित पात्रा ने दावा किया 2003 में बैक ऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी यूके में रजिस्टर्ड हुई और फिर साल 2009 में बंद हो गई। हमारे पास कंपनी शुरू होने और बंद होने के दस्तावेज हैं। इसके अलावा कंपनी के वार्षिक रिटर्नर्स के दस्तावेज भी हैं जो 2 बार फाइल किए गए हैं। संबित पात्रा ने बताया कि राहुल गांधी इस कंपनी के निदेशक, प्रमोटर और सचिव रहे हैं, यानी एक तरह से राहुल गांधी इस कंपनी के मालिक रहे। उन्होंने दावा किया कि 10 अक्टूबर साल 2005 को कंपनी के वार्षिक रिटर्न में बताया गया कि कंपनी में 65% के शेयर होल्डर राहुल गांधी हैं। पात्रा ने बताया कि इसी दस्तावेज में राहुल गांधी ने बताया है कि मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक माओवादी हमले में सुरक्षा बलों के 15 जवान और एक ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस की गाड़ी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब कमांडोज उस जगह
रह रहे थे, जहां सुबह ही माओवादियों ने करीब 25 से 30 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी पुष्टि करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने समाचार एजेंसी ENI से बात करते हुए कहा, उस वाहन में C60 सुरक्षा बलों के हमारे 16 पुलिसकर्मी और ड्राइवर थे। बारूदी सुरंग के धमाके में वो शहीद हो गए। गृहमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की निंदा की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जवानों पर हुए घिनौने हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं सभी बहादुर जवानों को सलाम करता हूं। उनका बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। C60 कमांडो टुकड़ी के बारे में नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया। माओवादियों की गुरिल्ला रणनीति का मुकाबला करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने एक विशेष दल की स्थापना की है, जिसमें स्थानीय जनजाति के लोगों को शामिल किया गया। बता दें कि साल 1992 में बने इस विशेष दल में 60 स्थानीय जनजाति समूह के लोगों को शामिल किया गया। धीरे धीरे दल की ताकत बढ़ती गई और नक्सलियों के खिलाफ इनके ऑपरेशन भी बढ़ने लगे। दल में शामिल जनजाति समूह के लोगों को स्थानीय जानकारी, भाषा और संस्कृति की जानकारी के चलते ये गुरिल्ला लड़ाकों से लोहा लेने में सफल रहे, जिसके बाद साल 2014, 2015 और 2016 में C60 के कमांडोज को कई ऑपरेशन में सफलता भी मिली। वाराणसी से तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द कर दिया गया। जी हां, तेज बहादुर ने दो नामांकन पत्र भरे थे, 24 अप्रैल को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार और दूसरा 29 अप्रैल को सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में। इस पर तेज बहादुर यादव ने कहा है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनका नामांकन गलत तरीके से किया गया। उन्होंने 6:15 हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मौजूद सांसद हैं और इस बार वो भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां मोदी ने 26 अप्रैल को वाराणसी सीट से ही अपना नामांकन भरा है, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से किया गया। हमारे कहा गया है कि जो आपसे एविडेंस मांगे गए थे वो आप पेश नहीं कर पाए, जबकि हमारे से जो एविडेंस मांगे गए थे वो शाम को 6:15 पे मांगे गए थे। हमने कहा कि मैं कोई अडानी अंबानी नहीं हूं जो चार्टर प्लेन लेके दिल्ली चुनाव आयोग में जाऊंगा और एविडेंस लेके आऊंगा, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया और हमारे एविडेंस भी आ गए, उसके बावजूद भी कैंसिल कर दिया। कहा कि नहीं, 11 से पहले आपके एविडेंस नहीं आए, तो ये एक तानाशाही तरीके से जो है रिजेक्शन किया। इस सीट पर कांग्रेस के अजय राय और समाजवादी पार्टी के एक और उम्मीदवार शालिनी यादव ने भी अपने पर्चे भरे। जी हां, मामले में नया मोड़ तो तब आया जब 30 अप्रैल को तेज बहादुर यादव को जिला निर्वाचन अधिकारी का पहला नोटिस मिला, जिसमें उन्हें कहा गया कि वो BSF से एक चिट्ठी लेकर आए, जिससे पता चले कि उन्हें क्यों बर्खास्त किया गया था। नोटिस में उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 1 मई 2019 को यानी 90 सालों के बाद उपस्थित होने को कहा गया। बाद में दूसरा नोटिस जारी किया गया, जिसमें पहले नोटिस में बताई गई तारीख को क्लेरिकल मिस्टेक बताया गया और उन्हें 1 मई 2019 को सुबह 11 तक सीमा सुरक्षा बल से चिट्ठी लाकर देने को कहा गया। अमेरिका में भारतीय मूल के 3 और 1 भारतीय की हत्या हो गई है। जी हां, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार की देर रात ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने हेट क्राइम के आशंकाओं को खारिज किया है। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया कि अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने मुझे सिनसिनाटी में रविवार को हुई 4 लोगों की हत्या की जानकारी दी है। इनमें से 1 भारतीय नागरिक था जो कि अमेरिका की यात्रा पर गया था, जबकि अन्य 3 भारतीय मूल के ही थे। सुषमा ने दूसरे ट्वीट में लिखा, पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तानी चरमपंथी और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कर दिया है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों का धन्यवाद किया। पाकिस्तान ने प्रतिबंध समिति के राजनीतिक इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। चीन ने कहा वो पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाइयों में समर्थन करेगा। मौलाना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि इस काम में बड़े छोटे देशों सभी का साथ मिला। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में मसूद अजहर को आतंकी घोषित कर दिया गया है। समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की बड़ी सफलता बताया है। मोदी ने रैली में कहा, मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करने पर आखिरकार विश्व में सहमति बनी, ये संतोष का विषय है। देर आए दुरुस्त आए, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए लंबे समय से भारत जो प्रयास कर रहा था ये उसकी बहुत बड़ी सफलता। जैश सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने आखिरकार वैश्विक आतंकी घोषित कर ही दिया। जहां भारत के 10 साल के कूटनीतिक दबाव के बाद मसूद पर बैन संभव हो सका। 10 साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। भारत की अपील पर तत्काल कार्रवाई करते हुए यूएन ने 10 दिसंबर 2008 को मुंबई धमाके अंजाम देने के कारण हाफिज सईद और उसके संगठन जमात उद दावा, जो लश्करे तैयबा का ही पूर्ववर्ती संगठन है, को प्रतिबंधित संगठन की सूची में डाला था। हालांकि अब विश्व जगत की नजर भी इस पर है कि क्या मसूद अजहर आज पाकिस्तान का दूसरा हाफिज सईद होने जा रहा है। जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान में स्थित और वहां से समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। करीब एक दशक से भारत यूनाइटेड नेशंस में इसके लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहा था। आज भारत को यह बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीलंका में बुरके पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत में भी इस मुद्दे पर चल रही तीखी बहस के बीच केरल के एक कॉलेज ने सर्कुलर जारी करके कहा कि छात्राएं बुरका पहनकर स्कूल नहीं आए। केरल के मल्लपुरम में चलाए जा रहे इस अल्पसंख्यक कॉलेज में बुरका पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बता दें ये कॉलेज मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की ओर से संचालित किया जाता है। लोकसभा चुनाव के बीच इस प्रतिबंध पर सियासी घमासान छिड़ रहा है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। केरल के कुछ स्थानीय संगठनों ने इस फैसले की आलोचना भी की है। बुरके पर बैन की इस मांग पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शिवसेना पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा ये हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, बाकी आप ये हिंदुत्व सब पर नहीं लागू कर सकते। कल को बोलेंगे कि आपको चेहरे पर दाढ़ी ठीक नहीं है, टोपी मत पहनिए। ओवैसी ने कहा पढ़ते नहीं है ना ये शिवसेना के लोग, उनको 377 सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है, वो पढ़ना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया तो उनको मालूम हो जाएगा कि कैपिटल लेटर में कह रहा हूँ चॉइस, जो इस संविधान में हम सब के लिए है, हमारी फंडामेंटल राइट्स है कि हम क्या पहनेंगे और क्या नहीं। सो आई एम टू रिमाइंड देम दैट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन प्रिवेसी, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन 377 क्लियरली लेज डाउन दैट चॉइस फॉर शिवसेना ignorant people, I am spelling that out for him, choic, choice is now a fundamental right in the Indian constitution. You can choose and do whatever you like, that is your autonomy. Unfortunately and deliberately for all these Hindutva ignorant people, when you talk about constitution they go completely mad about it. शिवसेना द्वारा देश में बुरके पर प्रतिबंध की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर जावेद अख्तर ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि भैया बुरके पर मेरा कोई नॉलेज नहीं है, यानी कि मेरा नॉलेज बहुत कम है। इसकी वजह है कि जिस घर में मैं रहता हूं वहां कामकाजी महिलाएं हैं, मैंने तो कभी अपने घर में बुरका देखा ही नहीं।
साथ ही इराक बड़ा कट्टर मुस्लिम देश है, लेकिन वहां पर औरतें चेहरे को कवर नहीं करती। श्रीलंका में जो कानून आया है उसमें ये है कि आप चेहरा कवर नहीं कर सकते, बुर्का पहनो लेकिन चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कानून में डाला है। यहाँ पर अगर कानून लाना चाहते हैं और अगर किसी की राय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे पहले कि राजस्थान में आखिरी मतदान हो, इस सरकार को ऐलान करना पड़ेगा कि राजस्थान में कोई घूंघट नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि घूंघट भी हट जाए और बुर्का भी हट जाए तो मुझे खुशी होगी। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान फोनी उड़ीसा के पुरी तट से जाकर टकरा गया। यहाँ पुरी में हवा की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। विशेष राहत आयुक्त विष्णुपद रोटी ने इसकी जानकारी दी। लगभग 10 लाख लोगों को इन तटीय इलाकों से सुरक्षित निकाला जा रहा है। नौसेना और कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर रखा गया है। लोगों की मदद के लिए NDRF और ODRAF की टीमें तैनात की गई। तूफान के असर को देखते हुए मध्य रात से उड़ानों पर रोक लगा दी गई है और 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पुरी के करीब तट से टकराने के बाद ये तूफान तटीय उड़ीसा के खुर्दा, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर जिले के रास्ते पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेगा और फिर बांग्लादेश का रुख करेगा। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जमीन के संपर्क में आने के बाद तूफान की तीव्रता कम होगी। चक्रवाती तूफान फेनी के पूर्वी तट की ओर मुड़ने के कारण उड़ीसा में 11 लाख लोगों को तटीय इलाकों से निकाला गया। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आपदा पूर्व अभियान है। चक्रवात ने उड़ीसा के पुरी में दस्तक दे दी है। विशेष राहत आयुक्त SRC के मुताबिक तटीय इलाकों से निकालकर लोगों को 880 चक्रवात केंद्रों, स्कूल कॉलेज की इमारतों और अन्य ठिकानों जैसे सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। उड़ीसा के 14 जिले पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, बालासोर, भद्रक, गंजम, खुर्दा, जाजपुर, नयागढ़, कटक, गजपति, मयूरभंज, ढेंकानाल और क्योंझार के चक्रवात की चपेट में आने की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चक्रवात का प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी की एक चुनावी रैली में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेने पर भाजपा की आलोचना का शिकार हो रहे नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने शनिवार को कहा वो इसमें माफी मांगने जैसा कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि उनकी जबान फिसल गई थी। सिन्हा ने कहा कि मैंने मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो भी कहा वो जुबान फिसलने की वजह से हुआ। दरअसल मैं महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम लेना चाहता था, लेकिन जुबान फिसली और मुंह से मोहम्मद अली जिन्ना निकल गया। सिन्हा ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक तथा पहले भी नेता सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है। इस परिवार के सभी लोगों के देश की आजादी और विकास में अहम भूमिका रही है, इसलिए इस परिवार में आया हूँ। अब मैं कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर पहले भी नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी पार्टी है, जिसका देश के विकास में, देश की तरक्की में, देश की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा योगदान हुआ। इसलिए हम यहाँ आए यहाँ पे, और एक बार जब आ गया हूँ पहली और शायद आखिरी बार कांग्रेस पार्टी में, तो कभी अब मुड़ के जाने के लिए नहीं आया हूँ। भले मैं कहता हूँ जब आया हूँ, संक्षेप में कहूँ तो कह सकता हूँ कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
बीजेपी पर तंज कसने के साथ पार्टी छोड़ने की बात पर शायराना अंदाज में सिन्हा ने कहा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जहां शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान का वीडियो शनिवार सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उनके इस बयान पर राजनीति गरमाने की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। सिन्हा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ की मौजूदगी में भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी है, देश और पार्टी उनके लिए मायने नहीं रखती। उन्होंने आगे कहा कि मेरा विश्वास है कि व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा देश होता है, लेकिन भाजपा में उल्टा हो रहा है। एक के बाद एक ऐसे फैसले हुए जिसने देश के विकास में बाधा डाली। नोटबंदी खत्म हुई नहीं कि अचानक जीएसटी की घोषणा कर दी। कई संशोधन किए गए, भगवान के मंदिर में पूजा की थाली से लेकर गुरुद्वारे के लंगर पर भी टैक्स लगा दिया गया। आसाराम के बेटे नारायण साईं को बलात्कार के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जहां गुजरात के सूरत के एक सत्र अदालत ने मंगलवार को सजा का ऐलान कर दिया। नारायण साईं पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें इसके अलावा साईं के करीबी सहयोगियों गंगा, जमुना और रसोइयों हनुमान को 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। नारायण साईं के ड्राइवर रमेश मल्होत्रा को 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पीड़िता को 5,00,000 रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इससे पहले अदालत ने 26 अप्रैल को साईं समेत लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया। सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर लगातार बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई थी। जेल में बंद आसाराम के बेटे नारायण साईं को बलात्कार के आरोप में उम्र कैद की सजा दिए जाने के बाद उसकी पत्नी जानकी हरपलानी ने कहा कि इस अदालती निर्णय के बाद वो तलाक का मुकदमा दायर करने पर विचार कर रही हैं। नारायण की इंदौर निवासी पत्नी जानकी हरपलानी उर्फ शिल्पी ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नारायण साईं को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के फैसले से उन सभी लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलेगी जो धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ कुकर्म करते हैं। जानकी ने कहा, मैं कुछ वर्ष पहले यह कहकर अपने पति से अलग हुई थी कि मैं उनकी गलत कामों में उनका साथ नहीं दे सकती। अब मैं विचार कर रही हूं कि तलाक का मुकदमा दायर करूं ताकि मैं अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकूं। उन्होंने कहा, मैं सीए बनना चाहती हूं, मैं नहीं चाहती कि मेरे भावी जीवन में मेरा नाम नारायण साईं या उनके परिवार से कभी भी जोड़ा जाए। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए डीएनएन न्यूज़ के साथ।